दोस्तों, क्या आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, या आपके पितर आपसे नाराज है और आपको लगता है कि आपके पितरों की वजह से आपके घर की सुख शांति में रुकावट आ रही है और आपके कार्य नहीं बन रहे हैं? तो दोस्तों, करीब 500 वर्षों बाद और 2024 सबसे बड़ी पूर्णिमा फाल्गुन पूर्णिमा के दिन दीपक से जुड़ा ये आसान और असरदार अचूक उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपकी जिंदगी के हर रास्ते खुल जाएंगे। सुखी दोस्तों, इस दिन होली और चंद्र ग्रहण का सहयोग बना रहा है और पितरों से जुड़ी जो भी समस्या है वह मात्र एक उपाय से हल हो जाएगी और आपको धनवान मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी जो भी मनोकामना है वह भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इस बार 2024 का साल बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग लेकर आया है और इस बार 25 मार्च को सबसे बड़ी पूर्णिमा फाल्गुन पूर्णिमा पढ़ने जा रही है और इसी दिन होली और चंद्र ग्रहण पढ़ने जा रहे हैं। और दोस्तों, इस दिन राजयोग काल सर्प दोष के साथ साथ धन लक्ष्मी योग भी बन रहा है, क्योंकि इस दिन आपको बता दे कि लक्ष्मी जयंती भी पड़ रही है, जिस वजह से इस पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है और इस दिन घर की इस दिशा में एक दीपक जला देने से आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आप भी अपने जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों, सनातन धर्म में फाल्गुन मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को शोध पत्नी पूर्णिमा और कुशल गृहिणी पूर्णिमा भी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा 25 मार्च 2024 को सुबह 4:48 पर शुरू होगी और अगले दिन 15 सितंबर 2024 को सुबह 7:09 पर इसका समापन होगा। इस दिन स्नान दान करने का शुभ समय सुबह 4:43 से लेकर सुबह 5:19 तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक फाल्गुन पूर्णिमा को लक्ष्मी जयंती भी कहा जाता है। इस दिन देवी लक्ष्मी का जन्म हुआ था। दोस्तों, हिंदू धर्म में मान्यता है कि फाल्गुन पूर्णिमा के दौरान यमराज सभी आत्माओं को पृथ्वी लोक पर भेजते हैं। वे सभी आत्मा अपने परिवारजनों से अपने हेतु तर्पण श्राद्ध लेने के लिए धरती पर आते हैं। ऐसे में जो व्यक्ति अपने पितरों का श्रद्धा से श्राद्ध तर्पण नहीं करते उसके पितर उनसे नाराज हो जाते हैं। इसलिए फाल्गुन पूर्णिमा के दौरान पितरों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध जरूर करने चाहिए। पितृपक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध करने से परिवार के सदस्यों की तरक्की का रास्ता खुल जाता है, साथ ही पितृ दोष का भी निवारण होता है। दोस्तों, मान्यता है कि पितृपक्ष में तर्पण श्राद्ध और पिंडदान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने परिजनों को सुख और संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण पितरों की मृत्यु तिथि पर ही करना चाहिए, यानी कि जिस समय जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उस समय जो तिथि होती है, चाहे वह कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष पितृपक्ष के दौरान, उसी तिथि को उस व्यक्ति का श्राद्ध किया जाता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु तिथि शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है तो पितृपक्ष की चतुर्थी पर उस व्यक्ति का श्राद्ध किया जाएगा। जिन पितरों की मृत्यु तिथि पता नहीं होती उनका श्राद्ध सर्वपितृ अमावस्या पर किया जाता है या पूर्णिमा पर किया जाता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्राद्ध करना बेहद जरूरी माना जाता है। मान्यता है कि अगर अपने पूर्वजों का विधिपूर्वक श्राद्ध और तर्पण नहीं किया जाए तो उन्हें इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती और वह भूत प्रेत के रूप में इस संसार में ही भटकते रहते हैं। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध पक्ष का बेहद महत्व है। माना आता है कि जिनके पितर उनसे नाराज होते हैं उन्हें पितृ दोष लगता है। दोस्त को सबसे जटिल कुंडली दोषों में से एक माना जाता है। जिनके ऊपर दोष लगा होता है उन्हें किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती, उन्हें जिंदगी भर दुख पीड़ा से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, फाल्गुन पूर्णिमा पितरों को प्रसन्न करने के बहुत ही खास दिन होता है। इस दिन आप छोटे छोटे से काम करके, छोटे छोटे उपाय करके पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माना जाता है कि जिन पर उनके पितरों का आशीर्वाद होता है उन्हें सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको फाल्गुन पूर्णिमा में किया जाने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से पितृ तृप्त होते हैं अपितु प्रसन्न होते हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितरों के आशीर्वाद से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और बिगड़े काम बनने लगते हैं।
दोस्तों, इसे आपके जीवन में खुशहाली आएगी और हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। दोस्तों, इस उपाय को करते समय पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। अगर आपने स्नान कर लिया है तो रात्रि के समय आप अच्छी तरह से मुंह, हाथ पैर धो लें, फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही आप यह उपाय करें। उपाय करने के लिए आपको जरूरत होगी एक दीपक की। दीपक कोई भी चलेगा, मिट्टी का, धातु का, आटे का कोई भी चलेगा। अगर आटे का दीपक ले रहे हैं तो शुद्ध जल मिलाकर बिना नमक के आटे का ही दीपक बनाएं। दोस्तों, आज की सुबह उठी नाटक, इस दीपक में रुई की बाती लगाए शुद्ध घी डालें। घी नहीं हो तो आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं, लेकिन दूसरे किसी तेल का प्रयोग न करें। यह दीपक आपको रात्रि के समय ही जलाना है। शाम की पूजा हो जाने के बाद आप यह दीपक जला सकते हैं। इस दीपक को मंदिर के अंदर ना रखें। मंदिर के पास किसी साफ स्थान पर आप इस दीपक को रख सकते हैं, या फिर एक लकड़ी के पाते पर आप इस दीपक को रख सकते हैं। दीपक रखने से पहले उसे आसन अवश्य दें, यानी दीपक के नीचे थोड़े से अक्षत यानी थोड़े से साबुत चावल रखें, फिर उसके ऊपर ही दीपक को रखें और जलाएं। दीपक जलाते समय ध्यान रखना है कि दीपक की बाती दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। इस दीपक को अपने घर के दक्षिण कोने में किसी साफ स्थान पर भी जला सकते हैं। दोस्तों, दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। दक्षिण दिशा में ही पितृलोक है। माना जाता है कि पितृपक्ष में पितरों लोक से दक्षिण दिशा से ही पितृ हमें आशीर्वाद देने धरती पर आ जाते हैं। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूर्णिमा की रात को दक्षिण मुखी दीपक जलाया जाता है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। तो आम दिनों में केवल पूर्णिमा की रात्रि को दक्षिण मुखी दीप दान करना चाहिए, क्योंकि दीप जलाना शुभ अवसर पर एक अनिवार्य परंपरा माना जाता है। तो मान्यताओं के अनुसार दीपक की लौ सही दिशा में होनी चाहिए कहा जाता है। श्रद्धा से पितरों के निमित्त किया हुआ दान ही श्राद्ध है। इसलिए पूर्णिमा की रात्रि को श्रद्धा पूर्वक दक्षिण मुखी दीप दान करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है, श्राद्ध करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। यह खास दीपक जलाने के बाद आप वहीं पर आसन बिछाकर बैठ जाएं और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पितृदेव के इस मंत्र का 108 बार जाप आप करें। मंत्र है और पितरो देवता नमः। इसके बाद भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका भी एक माला जाप करें। दोस्तों, भगवान विष्णु जी को पितरों के देवता माना जाता है, इसीलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन गीता का पाठ करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि इस दिन लक्ष्मी जयंती और चंद्र ग्रहण और होली तीनों का महासंयोग बन रहा है। अगर इस दिन पितरों के निमित्त आप थोड़ा सा अनाज निकाल कर रखें और दूसरे दिन किसी गरीब व्यक्ति को दान में दे, इससे भी पितरों का आशीर्वाद मिलता है। कहते हैं ऐसा दान करने से पितरों की भूख प्यास मिट जाती है, पितृ तृप्त हो जाते हैं। श्रद्धा से दिया ऐसा दान श्राद्ध के समान ही माना जाता है, और श्राद्ध कर्म से बढ़कर मनुष्य के लिए कोई दूसरा कल्याण मार्ग नहीं है। इससे आयु बढ़ती है, सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। न केवल पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, बल्कि उनकी कृपा से परिवार के सदस्य तरक्की करते हैं। पितृ सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितृ भी देवता तुल्य माने गए हैं, इसलिए उनमें देवताओं की तरह आशीर्वाद देने की क्षमता होती है। तो पूजन मंत्र जाप के बाद भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी को नमस्कार करें। उनसे अपने पितरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करें। इसके बाद आप अपने पितृ देव और कुल देवता का स्मरण करके उन्हें नमस्कार करें। अपने कष्टों के निवारण हेतु प्रार्थना करें, पितृ दोष से मुक्ति की प्रार्थना करें, और उनसे प्रार्थना करें कि वे आप पर और आपके परिवार पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। उपाय करने के बाद दूसरे दिन दीपक के नीचे जो चावल रखे हुए थे उन्हें पक्षियों को डाल दें। अगर आपने आटे का दीपक बनाया है तो उसके भी छोटे छोटे टुकड़े करके पक्षियों को ढाल दें। पितरों के निमित्त किए ऐसे धार्मिक कार्य या उपाय उन्हें संतुष्ट करके हमें उनका आशीर्वाद दिलाने में सहायक होते हैं। दोस्तों, जिंदगी में सफलता पाने के लिए पितरों का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, इस उपाय के जरिए आप भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी के साथ साथ पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में आ रही अनेक समस्याओं का अंत हो जाता है। वहीं दोस्तों, इस दिन कालसर्प योग, धन लक्ष्मी योग और भी कई सारे दिव्य और दुर्लभ महाशुभ संयोग बन रहे हैं।
और इस दिन माता लक्ष्मी की कृपा कुछ विशेष राशियों पर पढ़ने जा रही है। यह राशि धन से मालामाल हो जाएंगी। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन सी राशियां हैं जिनके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बरस रही है। इस लिस्ट में दोस्तों सबसे पहला नाम आता है मेष राशि। मेष राशि वालों को बता दें कि अब फाल्गुन पूर्णिमा का दिन माता लक्ष्मी की अपार कृपा बरसेगी। व्यापार तेजी से चलेगा। व्यापार में अगर किसी प्रकार कोई रुकावट आ रही थी या फिर विघ्न बाधाएं आ रही थी तो दूर होंगी। कारोबार का विस्तार करेंगे, महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होंगे, नए कार्यों की शुरुआत करेंगे। नौकरी लगने की संभावना बनी हुई है। बिजनेस व्यापार में रुका हुआ फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र में आपको फायदा मिलेगा। लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे और कुछ अधूरे कार्यों को भी पूरा करेंगे। साथ ही साथ बता दें कि इनकम बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में आपको अधिक से अधिक लाभ देखने को मिलेगा। लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे। व्यापारियों के लिए काफी खास समय रहेगा और कई महत्वपूर्ण समय रहेगा। आपको आपकी आमदनी होगी, वह तो बढ़ेगी, साथ ही महत्वपूर्ण सफलता की प्राप्ति होगी। अगली जो राशि आती है दोस्तों बता दें, वो है यहां पर सिंह राशि। सिंह राशि, सिंह राशि को बता दें कि अब आपका व्यापार तेजी से चलेगा। महालक्ष्मी की कृपा से रुका हुआ फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। इनकम में वृद्धि होगी। कई बड़े प्रमुख कार्य बनेंगे, अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। मनचाही सफलता प्राप्त होगी। लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे। महालक्ष्मी की कृपा से प्रत्येक कार्य आसानी से बनेंगे। लंबे समय से पेंडिंग काम को पूरा करेंगे। आपके वह कार्य बनेंगे जो काफी समय से पेंडिंग पड़े हुए थे। महत्वपूर्ण सफलता की प्राप्ति होगी और साथ ही इनकम भी बढ़ेगी। कोई भी कार्य आपका अधूरा नहीं रहेगा। नौकरी में बदलाव देखने को मिलेगा। महालक्ष्मी की कृपा से धन संपत्ति में इजाफा तेजी से होगा। अब अगली जो तीसरी राशि है वो है यहां पर मिथुन राशि। मिथुन राशि को आपको बता दें कि इस बार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन बन रहे दिव्य और दुर्लभ संयोग से अब आपको जल्दी कोई बहुत बड़ा गिफ्ट मिलेगा। साथ ही साथ आपके रुके हुए तमाम कार्य पूरे होंगे। मनचाही सफलता प्राप्त होगी। लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे। दूसरों की कृपा से आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा। धन प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। जमीन प्रॉपर्टी का आप मुनाफा कमा पाएंगे। जमीन प्रॉपर्टी का सौदा हो पाएगा। कामकाज के मामले में आपको उपलब्धियां जरूर पूरी होगी। प्रत्येक कार्य में लाभ होगा। अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। जो कार्य आपके अधूरे थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा करेंगे। साथ ही साथ बता दें कि इस समय आपकी जॉब लगने की संभावना बहुत बड़ी है। साथ ही साथ व्यापार में रुका हुआ फंसा हुआ धन भी प्राप्त होगा और अगर कोई व्यापार ठप्प पड़ा था तो वह चल पड़ेगा। जल्द ही नई शुरुआत कर सकते हैं। अब अगली जो राशि आती है चौथी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों को बता दें कि इनकम बढ़ने से मन प्रसन्न रहेगा। मनचाही सफलता प्राप्त होगी। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ आपके मित्र होंगे, उनके द्वारा धन लाभ की प्राप्ति के योग होंगे। जीवन साथी से संतान की प्राप्ति होगी। जीवन साथी से जो संबंध है वह काफी मधुर बने रहेंगे और साथ ही कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय प्राप्त होगी। महालक्ष्मी की कृपा से बता दें कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन बन रहे दिव्य और दुर्लभ संयोग से आपकी शिक्षा में सुधार होगा। कंपटीशन की परीक्षा में लाभ होगा। बड़े संस्थान में दाखिला ले पाएंगे। दोस्तों अब अगली जो राशि आती है दोस्तों बता दें वह है मकर राशि। मकर राशि को बता दें कि इनकम तो बढ़ेगी, साथ ही धन प्राप्ति के योग बनेंगे। सरकारी क्षेत्र से लाभ होगा। प्रोफेशन लोगों से संबंध मधुर होंगे। समाज में मान सम्मान और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। साथ ही कोई जरूरी डील फाइनल होगी, बैंक या बैंक क्षेत्र से, बिजनेस व्यापार क्षेत्र से। साथ ही बिजनेस व्यापार का कोई लोन वगैरह मंजूर हो सकता है। बैंक से आपके लोन मंजूर होने से आपका कार्य तेजी से चलेगा। अभी तक अगर कोई कार्य नहीं बना वह कार्य बनेगा। महालक्ष्मी की कृपा से अनेक जगहों से आपको धन प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। और दोस्तों एक जरूरी बात, 110 वर्षों के बाद एक ऐसा योग बन रहा है कि 25 मार्च के दिन जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, इस चंद्र ग्रहण का इंतजार न केवल पूरी दुनिया के तांत्रिक ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और यह चंद्र ग्रहण 25 मार्च 2024 को लगने जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं होगा बल्कि यह महाचंद्र ग्रहण होने वाला है। ज्योतिष वैदिक शास्त्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि इस चंद्र ग्रहण के दिन पूरे 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं और यह समय पूरे 110 वर्षों के बाद आया है। बताया जा रहा है कि 25 मार्च को ही फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा भी पड़ रही है।
मतलब कि 25 मार्च 2024 का चंद्र ग्रहण अपने आप में बहुत ही विशेष और ताकतवर चंद्र ग्रहण होने वाला है। और 25 मार्च के दिन अगर आपने शुभ मुहूर्त पर वह उपाय कर लिए जो अभी हम आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, इन उपायों का आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको 25 मार्च मतलब कि चंद्र ग्रहण के दिन किया जाए तो न केवल आपको अपने जीवन की हर प्रकार की परेशानी, दुर्भाग्य, गरीबी से मुक्ति मिल सकती है, बल्कि आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि कैसे आपको धन दौलत सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। माना जाता है जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो ग्रहों के सेनापति मंगल, शनि, सूर्य, राहु और केतु आमने सामने होते हैं। कहा जाता है कि जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो उस वक्त जितनी भी दैवीय शक्तियां होती हैं उनका प्रभाव लगभग न के बराबर हो जाता है, और चंद्र ग्रहण के दौरान आप कोई भी उपाय करते हैं तो उसका आपको तत्काल लाभ मिलता ही मिलता है। इसीलिए हर उपाय को दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिए। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि भी डाल दीजिएगा जिससे कि आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो चंद्र ग्रहण के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, तो दोस्तों हम आपके कमेंट का रिप्लाई में तुरंत बता देंगे। इसीलिए अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। दोस्तों, फाल्गुन पूर्णिमा की रात को मां लक्ष्मी को 5 कौद्धियां अर्पित करें और फिर अगले दिन इन्हें लाल रंग के लाल कप डीढ़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर लगा दें। मान्यता है इससे नकारात्मक ऊर्जा कभी घर में प्रवेश नहीं करती, पैसों की तंगी दूर होगी, और अगर आपको विवाह में विलंब हो रहा है तो मां लक्ष्मी को 7 गुलाब के फूल इत्र लगाकर चढ़ाएं, फिर लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। कहते हैं इससे शीघ्र विवाह की मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, घर में अधिकतर कोई बीमार रहता है तो फाल्गुन पूर्णिमा के दिन एक कौड़ी रोगी के सिर से लेकर पैर तक 11 बार घुमाएं और फिर इसे होलिका दहन की अग्नि में डाल दें। मान्यता है इससे आरोग्य की प्राप्ति होगी, जल्दी ही रोगी स्वस्थ हो जाएगा। दोस्तों, कहते हैं फाल्गुन पूर्णिमा पर समुद्र मंथन से मां लक्ष्मी अवतरित हुई थी। मान्यता है इस दिन मध्य रात्रि में देवी लक्ष्मी को 11 कौद्धियां हल्दी में रंग कर अर्पित करें, फिर अगली सुबह इन्हें लाल कप डेडे में बांध दें और तिजोरी में रख दें। इससे धन का अभाव नहीं रहेगा। मां लक्ष्मी सदा घर में वास करेंगी, आपके जीवन में तमाम प्रकार की परेशानी खत्म हो जाएंगी, कहें कि गरीबी आपके घर का रास्ता ही भूल जाएगी। माता लक्ष्मी की कृपा से सिर्फ आपको धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी और मां लक्ष्मी आपके घर में वास करेंगी। यह एक ऐसा उपाय है जो आप किसी भी पंडित से पूछेंगे तो वह आपको जरूर बताएगा। दोस्तों, शास्त्रीय जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद।